हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मोटिवेशनल एक कहानी सुनेंगे जो शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार कहानी जो हमारा ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। जो हम लोग के दिमाग में जो नेगेटिव नज़रिया को हम चेंज कर सकते हैं और हमारे जीवन को एक अच्छा और शानदार बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से शिव खेड़ा ने बहुत ही सुंदर रूप से एग्जाम्पल के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह समझाया है कैसे हमको अपना ज़िंदगी में, कैसे हम अपने पास जो चीज़ होते हैं और हमारे जो काबिलियत होते हैं, हमारे में जो गुण होते हैं, कैसे हम नहीं पहचान पाते हैं और उसे कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और अभी हम इस कहानी को शुरू करते हैं। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगता है लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग द स्टोरी। शुरू करते हैं अभी शिव खेड़ा द्वारा लिखी हुई कहानी, हीरों से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसीलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद चालाक आदमी उसके पास आया। उससे कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मिट्टी का बहुत बड़ा टुकड़ा जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहीं से चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था, इसीलिए उसकी खुशी भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उस अकलमंद चालाक आदमी के द्वारा बताए गए बात पे वो रिएक्ट कर गया था और वो दुखी हो गया था। दूसरे दिन सवेरे हाफिज ने अपने जितने भी खेत था उनको बेचा और अपने परिवार का पूरा बंदोबस्त किया, उनका खाना पीने का बंदोबस्त किया। और उसके दिमाग में जो हीरों का लत लग गया था उसको हासिल करने के लिए घर से निकल गया। वो हीरों की खोज करने के लिए पूरा अफ्रीका भटकता रहा, पूरा यूरोप भटकता रहा, सब जगह भटकता रहा। काफ़ी दिन बीत चुका था और लास्ट में वो इतना मायूस हो गया था, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतना वो जो कमज़ोर हो गया था। लास्ट में वो परेशान होकर नदी में कूद के खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज से उसका ज़मीन खरीदा था, वो एक दिन सवेरे सवेरे अपने ऊँट को उसके खेत के पास एक नाला के पास पानी पिला रहा था। तभी उसने देखा कि हाफिज के जो ज़मीन है, जो जगह था, जो बेचा था उसको, तो उसके बगल में एक पत्थर पड़ा था जो धूप में चमक रहा था। जो सवेरे का किरण उसके ऊपर पड़ रहा था तो उसमें इंद्रधनुष जैसा बन रहा था। तो उसने देखा और उसने उसके पास गया। उसने सोचा, इस पत्थर को अगर उसके बैठक में लगाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। यह सोचते हुए उसने उस पत्थर को उठाया और अपने साथ लेके अपने बैठक में, जो बैठते हैं तो उसमें सजा दिया। उसी दिन दोपहर में वो हीरो के बारे में बताने वाला आदमी, जो चालाक आदमी था, वो जो जिसको खेत बेचा था उसके घर में आया और उसने देखा, वो जगमगाते हुए हीरो को देखा और उसको ऐसे लगा कि शायद जो हाफिज वापस आ गया है हीरा लेके। तो उसने उसको पूछा, हाफिज वापस आ गया क्या? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल मुझे क्यों पूछ रहे हैं? तो वो चालाक अकलमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरे हैं जो लगे हुए हैं उसके बैठक में, वो बोल रहा है कि ये हीरे हैं और इसे मैं अच्छी तरह पहचान जाता हूँ।
नए मालिक ने कहा, नहीं ये तो साधारण पत्थर है, मैंने उस जमीन के पास इसको उठाया था जहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, चलो मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे पत्थर वहाँ पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पे बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने के लिए भेज दिए। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जब हमारे नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए होते हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उसकी पहचान करना ज़रूरी है। हमें हमेशा दूसरों का चीज़ ही सही लगता है, जैसे कि दूसरे का खेत का जो घास होता है उस वो खेती होता है वो हमें हरा दिखता है और हमारा जो है ख़राब लगता है, क्योंकि हमारा नज़रिया जो है नकारात्मक रहता है और हम दूसरों को देख के प्रभावित होते हैं कि उसका चीज़ अच्छा है और हमारी चीज़ ख़राब है, वो अच्छा है और हम ख़राब हैं, वो धनी है और हम गरीब हैं। जिन्हें मौके का पहचान नहीं होता है उन्हें मौके का खटखटाना बहुत बड़ा शोर शराबा लगता है और वो नहीं पता कर पाता है कि ये मेरे लिए एक मौका है जो मैं कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए, मौका आपके पास हरदम रहता है, इसलिए हमको हमेशा मौके की तलाश में रहना चाहिए, साथ साथ अपने कर्म करना चाहिए। मौका कब किसके साथ क्या कर दे किसी को पता नहीं, हमें अपना कर्म को सही तरह करना चाहिए और हमेशा अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और आप इसको इतने देर सुनते रहे इसके लिए धन्यवाद।